ठीक है, ये प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के पहले जो पॉइंट हम बताए थे उसका बता दे, या तो अबव द एचपी होगा या बिलो एचपी होगा या ऑन द एचपी होगा। देखिए अबव द एचपी जब होगा तो इसका सिंबल कुछ ऐसा होगा, बिलो एचपी नीचे, ऑन द एचपी उसी पे होगा। अब अबव द एचपी ऐसे तीसरा, ये तो एक था एचपी के रेफरेंस में, किसके रेफरेंस में बेटा, एचपी के रेफरेंस में तीन कंडीशन हो सकता है, या तो अबव द एचपी होगा, बिलो द एचपी होगा, ऑन द एचपी होगा। वीपी के साथ भी इसी तरह से तीन कंडीशन होगा, या तो इन फ्रंट ऑफ वीपी वर्टिकल प्लेन होगा, या बिहाइंड द वीपी होगा या ऑन द वीपी होगा। क्या होगा? ऑन द वीपी। अब ध्यान दीजिए, अबव द एचपी होगा ठीक है, तो उसको सिंबल कैसे देंगे, ऐसे देंगे। बिलो होगा तो दिस, ऑन द होगा तो वहीं पे, इन फ्रंट होगा तो कुछ इस तरह का सिंबल होगा, बिहाइंड होगा तो इस तरह का होगा, ऑन द होगा तो वहीं का वहीं होगा। अब अबव द एचपी होगा तो बनेगा क्या, प्रश्न यह है कि बनेगा क्या। तो जब अबव द एचपी होगा तो बनेगा आपका फ्रंट व्यू, और कहां बनेगा, एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा, कहां बनेगा, एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा। बिलो द एचपी होगा तो बनना तो फ्रंट व्यू है, बनेगा कहां, बिलो बनेगा, कितना बिलो, जितना बिलो दिया हुआ होगा। अभी एक क्वेश्चन आपको समझा भी देंगे, यदि ऑन द एचपी दिया है तो कहां बनेगा, वहीं पर बनेगा, और बनेगा क्या, फ्रंट व्यू। ठीक उसी तरह से इन फ्रंट ऑफ यदि वीपी दिया हुआ है, क्या दिया है, इन फ्रंट ऑफ वीपी दिया हुआ है, तो इन फ्रंट ऑफ वीपी मतलब बनना क्या है, इसका टॉप व्यू बनना है, और कहां बनेगा, एक्स वाई लाइन के नीचे बनेगा, कहां बनेगा, एक्स वाई लाइन के नीचे बनेगा। बिहाइंड द वीपी दिया रहेगा तो बनेगा क्या, टॉप व्यू बनेगा, और कहां बनेगा, एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा। ऑन द वीपी दिया है तो बनेगा क्या, टॉप व्यू बनेगा, और कहां बनेगा, एक्स वाई लाइन पर ही बनेगा। यहां तक में किसी को कहीं भी डाउट हो तो दैट यू कैन आस्क हियर, ठीक है, यहां तक में किसी को कोई डाउट है क्या? एक क्वेश्चन जो है, हम एचपी ऑन द वीपी कैसे बनेगा वो दिखा दीजिए। हाँ बता देते हैं, ठीक है, यहां तक में तो डाउट नहीं है ना। चलिए नो सर, एक क्वेश्चन जो है ले लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन ऑलरेडी एक ही क्वेश्चन ले लेते हैं, लेफ्ट साइड में भी दिख रहा है, इधर भी बना सकते, चलो यहाँ पर ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर कोई पॉइंट ए है जो 20 अबव है और ऑन द वीपी है, क्या है, ऑन द वीपी है, तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, अब चार यूनिट आपके पास बचे हैं, फर्स्ट यूनिट स्केल और कर्व छोड़ दीजिए, तो अब जो भी आप पढ़ेंगे वहां पर कोई भी क्वेश्चन हो आंख बंद करके जो है प्यार से एक्स वाई लाइन खींच सकते हैं, आंख खोल करके भी पेंसिल से खींच सकते हैं, लेकिन प्यार से खींचेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। 20 क्या है, अबव द एचपी, अबव द एचपी क्या है तो क्या बनेगा, फ्रंट व्यू बनेगा, और कहां, एक्स वाई लाइन के ऊपर, कितना ऊपर, जितना दिया है 20 में ए डैश बन जाएगा। ऑन दी वीपी देखो कहां पे दिया है, ऑन दी वीपी क्या बनेगा, टॉप भी बनेगा और एक्स वाई लाइन पे ही बनेगा, यहीं पे बन जाएगा ए, देख लो आप बन गया। ठीक है, कोई पॉइंट बी है, दिया है ऑन दी एचपी एंड ऑन दी वीपी है, ठीक है ना, मतलब एचपी पर भी है और वीपी पर भी है, कब हो सकता है ये, कोई एक चीटी है ठीक है ना, आपके वर्टिकल वाल पे भी बैठी है और हॉरिजॉन्टल वाल पे भी बैठी है, ये कब संभव है, ठीक है, ये कुछ समझ में आ रहा है, एचपी और ये वीपी दिख रहा है, एचपी और वीपी, हम बोल रहे हैं कि एक चीटी है एक मच्छर है, वो दोनों पे बैठा हुआ है, कैसे संभव है सर, एक्स वाई लाइन पे बैठा हुआ, एक्स वाई लाइन पे बैठा हुआ, वेरी गुड, ठीक है ना, मुनीम समझता है थोड़ा बहुत, तो
एक्स वाई लाइन पे तो वही देखो ऑन द एचपी, ऑन द एचपी यही है ना, कहाँ बनेगा, एक्स वाई लाइन पे ही बनेगा और फ्रंट भी बनेगा और ये क्या हो जाएगा आपका बी डैश। ऑन दी वीपी, ऑन दी वीपी में क्या बनेगा, टॉप भी बनेगा और एक्स वाई लाइन पे ही बनेगा, यहीं पे इसी पॉइंट पे दोनों बन गया। देख लो कहीं डाउट है तो पूछ लो आप। बताइए बन जाएगा कि कोई डाउट है अभी तक? यस सर, बन जाएगा। तो अब तो ये था आपका प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का ब्रीफिंग था, ठीक है ना। अब हम चल रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पढ़ने के लिए। क्या बेटा? प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, ठीक है। अब देखिए ये एक पॉइंट था ए, ये कोई पॉइंट था बी, ये दोनों क्या थे, अलग अलग थे ना, ये दोनों क्या थे, अलग अलग थे। यदि इस दोनों को जोड़ दें, इस दोनों को जोड़ दें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा, एक लाइन बन जाएगा कि नहीं, ठीक ना भाई। नदी का एक किनारा इधर है, एक किनारा इधर है, दोनों को जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, ब्रिज बन जाएगा, लाइन बन जाएगा, ठीक ना, लाइन बन जाएगा। और ये लाइन दो तरह का लाइन हो सकता है, या तो कर्व लाइन होगा या स्ट्रेट लाइन होगा, सीधा सीधा, ठीक ना। हम लोग जो पढ़ेंगे दो पॉइंट के बीच, दो पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ए से ये मान लीजिए कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है क्या बी। ए से बी तक जाने के लिए कई सारे रास्ते हो सकते हैं, ठीक है, कई सारे रास्ते हो सकते हैं, बट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दैट विल बी ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा समझने वाली बात है, ये जो स्ट्रेट लाइन है यही आपका स्ट्रेट लाइन है। देखिए एक हम जो है ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है आपकी बी है। सवाल यह है कि ए का भी लोकेशन आप निकालना सीख गए हैं और बी का भी लोकेशन निकालना सीख गए हैं। जब दोनों का लोकेशन निकालना सीख गए हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का क्वेश्चन बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं, yes. ठीक ना। तो आज हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का भी क्वेश्चन बना लें, ठीक ना। तो लाइन का क्वेश्चन जब आप बनाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सबसे पहला ए और बी किसी भी लाइन में मिनिमम कितने पॉइंट होंगे, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट होंगे कि नहीं। ये देखिए आप देख नहीं पा रहे होंगे पी और क्यू लिखा हुआ है, ठीक है ना, लिखा हुआ है कि नहीं, नहीं दिख रहा है। तो एज्यूम कर लो कि भाई ये लाइन है कोई और दो एंड पॉइंट, एज्यूम कर लिया पी क्यू है सर, दोनों पर पी क्यू एज्यूम कर लो, ए भी एज्यूम कर लो, ठीक है, एज्यूम ही तो करना है, ठीक है। तो एजम्पशंस में बहुत बड़ी शक्ति होती है, कल्पना में बहुत शक्ति होती है, तो ये कल्पना कर लो कि ए भी है, ठीक है। अब यहाँ हाँ द सेक्रेट सिनेमा देखे हो कि नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत, कभी कभी देखना जो कल्पना करोगे वो सही निकल जाएगा कुछ देर के बाद। आप मैथ में क्वेश्चन बनाते होंगे ना, तो सबसे पहले क्या होता था, मान लेते थे कि एक्स है, ठीक ना, फिर एक्स ठीक ना, पहले हम मान लें उसके बाद जान लें उसके बाद निकाल लें, तीन ही तो फिर में ना होता है, ठीक ना। हम इंडियंस में सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम ना मानते हैं ना जानते हैं न कहीं पहुंच पाते हैं, ठीक ना, मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, ठीक ना। तो एनीवे कम टू द पॉइंट, ए और बी पॉइंट था। अब इसका जो भी पॉइंट होगा उसका एक फ्रंट व्यू निकलेगा और एक टॉप व्यू निकलेगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि फ्रंट व्यू को फ्रंट व्यू से जोड़ेंगे और टॉप व्यू को टॉप व्यू से जोड़ेंगे। आ रही बात समझ में हमारी, फ्रंट व्यू को फ्रंट व्यू से जोड़ेंगे, टॉप व्यू को टॉप व्यू से जोड़ेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां पर इसको हम मिटाते हैं,
इसको मिटाते हैं और राम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए जो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट नहीं समझे हैं उनको लाइन समझ में नहीं आएगा। कल प्लेन फ्रंट व्यू टॉप व्यू बताए थे, ठीक है ना, तो जो वो नहीं समझे थे उनको लाइन समझ में आएगी नहीं, ठीक ना। तो बहुत ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना, क्योंकि समझ में आएगा नहीं। अब ये लाइन है बेटा, ठीक ना, और ये वीपी और एचपी दिख रहा है और बड़ा बना देगी, ठीक है, ठीक है। मेरे समझ से तो आप तो ऐसे समझ जाओ ये जो हमारा प्लेन है ये क्या है, आपका वर्टिकल प्लेन है, और ये जो नीचे है जहां पे हम खड़े हैं या जहां पे आप बैठे हो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये लाइन है, ठीक ना। अब यहाँ पर टॉपिक होगा हमारा कंडीशन या पोजीशन ऑफ द लाइन, क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ लाइन, ठीक ना। पहला पोजीशन क्या होगा, ये जो लाइन है अभी, ये लाइन जो है अभी एचपी के पैरेलल है कि नहीं, और वीपी के भी पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल टू बोथ द प्लेन, लाइन पैरेलल टू एचपी एंड वीपी हो जाएगा कि नहीं, देख लो आप, एचपी और वीपी के पैरेलल हम जो खड़े हैं, आप समझ जाओ कि ये वीपी है और नीचे एचपी है, ठीक है। अब ये अभी क्या है, एचपी और वीपी दोनों के पैरेलल है, ठीक है। अब इसको क्या कर दिया हम, थोड़ा सा ऐसे उठा दिए, तो वीपी से तो पैरेलल है कि नहीं, वीपी से पैरेलल का मतलब ए की भी दूरी और बी की भी दूरी वीपी से सेम है, अभी ये दोनों से पैरेलल था। अब इसको ऐसे उठा दिए तो क्या हो गया, वीपी से पैरेलल है और एचपी से क्या हो गया, इंक्लाइंड हो गया, किसी एंगल पे इंक्लाइंड हो गया कि नहीं, ठीक ना। दूसरा कंडीशन हम लिखेंगे, लाइन पैरेलल टू वीपी और इंक्लाइंड टू एचपी को थीटा से इंडिकेट करते हैं, याद रखिएगा, किससे इंडिकेट करते हैं, थीटा से, ठीक है। अब ये जो है ऐसे इंक्लाइंड किए थे कि नहीं, और इंक्लाइंड करते करते इसको एंगल बढ़ाते गए और इसको क्या कर दिए, अब 90 डिग्री कर दिया कि नहीं, बताइए। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू एचपी हो गया या नहीं, ठीक है ना, क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर टू एचपी। तो यहां पर सी कंडीशन बनेगा, लाइन पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी हो गया कि नहीं, देख लो आप, यहां पर लाइन जो है आपका पैरेलल टू क्या है, वीपी है, ये जैसे प्लेन है आपका, आप समझो इसको थोड़ा सा, ये जो है आपके पास प्लेन है एचपी और ये हमारा शरीर वीपी है, ये देखो परपेंडिकुलर टू एचपी पैरेलल टू वीपी है कि नहीं। अब उल्टा कर लो, यहां पर अभी एचपी से इंक्लाइंड था, अब इसी को हम ऐसे रख देते हैं, तो इसको क्या बोलोगे, पैरेलल टू एचपी परपेंडिकुलर टू वीपी है या नहीं, तो तीसरा जो कंडीशन हमारा बनेगा अब, ठीक, अब इसी के उल्टा, लाइन पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी, देखो ये वीपी के परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं, देख लो दिख रहा होगा, ठीक ना, और एचपी से परपेंडिकुलर। अब हम इसको अभी जो है ऐसे है, ये क्या कंडीशन है आपका, पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी वीपी, ठीक ना। अब इसको थोड़ा ऐसे कर दिए तो ये वीपी से कुछ एंगल बना कि नहीं, यस सर, ठीक ना। और इसको ऐसे कर लो, पहले ऐसे करो, देखो ये अभी क्या कंडीशन है, एचपी के पैरेलल वीपी के पैरेलल, इसको हम ऐसे उठा दिए, इसको यहां से उठा दिए, तो क्या है एचपी के पैरेलल एंड वीपी से इंक्लाइंड, देख लो आप, है कि नहीं, वीपी से इंक्लाइंड तो लाइन पैरेलल टू एचपी और इंक्लाइंड टू वीपी और ये अभी इंक्लाइंड टू वीपी है,
और पैरेलल टू एचपी है और इसको इंक्लाइन टू वीपी रहने दिया और एचपी से भी इंक्लाइन कर दिए तो क्या हो गया एफ लाइन इंक्लाइन टू एचपी एंड वीपी बोथ बोथ प्लेन तो दोनों प्लेन से इंक्लाइन हो गया कि नहीं देख लीजिए ये पहले वीपी से इंक्लाइन किया और फिर एचपी से इंक्लाइन कर दिए मतलब तो ये कोई लाइन है अभी क्या है इधर से भी इंक्लाइन इधर से भी गिरा दिए और इधर भी कर दिए दोनों से इंक्लाइन हो गया थे ना एक से नहीं हुआ दोनों से इंक्लाइन हो गया तो इंक्लाइन टू बोथ दी प्लेन है तो ये आपके टोटल 6 कंडीशन हो गए यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं ठीक है अब इसमें एक एक कंडीशन को अपन पकड़ते जाएंगे एक एक कंडीशन को पकड़ते जाएंगे इसका इसको आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए क्योंकि अभी मिटाएंगे ठीक है लिख लीजिए जल्दी से मिटा दें अब देखिए क्वेश्चंस करेंगे ढेर सारे एक एक कंडीशन से लेकर के ठीक है सबसे पहला कंडीशन जो है क्वेश्चन नंबर 1 पहला कंडीशन को पकड़ेंगे अपन ठीक ना क्या दिया है ए लाइन ए बी 50 mm लॉन्ग ठीक ना एज पैरेलल टू एचपी एंड वीपी Draw the projection if A equal to A is 10 mm above the HP and 50 mm in front of BP. ठीक है क्या दिया है A line AB 50 mm long is parallel to HP and BP. दोनों plane के क्या है ये parallel है बोल रहा है कि draw the projection if पॉइंट ए इज 10 mm अबव द एचपी एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी ठीक है बन जाएगा कैसे बनेगा आपको हम बता चुके हैं कि कोई भी क्वेश्चन हो दुनिया का ड्राइंग में ठीक है ये पूरे 4 यूनिट में आंख बंद करके पहले प्यार से एक्स वाई लाइन ड्रॉ खींच दीजिए इसको प्यार से एक्स वाई लाइन आप पेंसिल से भी खींच सकते हैं यदि प्यार से नहीं खींचते बनता है तो पेंसिल से खींच लीजिएगा ठीक है एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दिए अब ध्यान दीजिए सबसे पहले लोकेशन को पकड़िए क्या दिया है 10 mm अबव द एचपी एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी 10 mm अबव द एचपी में क्या बनेगा अबव द एचपी में फ्रंट व्यू बनेगा वेरी गुड 10 ऊपर में ए डैश बन जाएगा और 15 नीचे में क्या बन जाएगा अब 15 इन फ्रंट है तो क्या बनेगा टॉप व्यू ये और ये हो गया 15 ठीक है ठीक है यहां तक मुझे लगता है किसी को डाउट नहीं होगा ठीक है अब लाइन तो यही है ना आपका लाइन यही है ठीक है अब लाइन में ये क्या है पैरेलल टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी यही कंडीशन है ना और ये कितना लंबा है 50 mm तो ये देखो यही होगा ना 50 mm यही होगा ना यस सर ना तो इसको अब आप क्या करेंगे 50 mm लंबा मिला देंगे ये देखिए 50 mm हो गया और ये क्या हो जाएगा बी डैश और इसी के नीचे
इसको मिला देंगे ए से बी को, तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा आपका फ्रंट व्यू और ये हो जाएगा टॉप व्यू, ये भी यहाँ पर 50 ही होगा। देखिए बन गया क्वेश्चन, समझिए यहाँ वीपी और एचपी है, ये जस्ट दोनों के पैरेलल है, दोनों से सेम डिस्टेंस पे है, बन जाएगा। आगे बढ़े, यस सर, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन और बना लीजिए, ड्रॉ ए लाइन 65 mm लॉन्ग पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू बीपी, परपेंडिकुलर टू बीपी, ड्रॉ द प्रोजेक्शन इफ ए इज 10 mm above the HP and above the HP and on the VP, ठीक है। आप ये देखकर समझ पा रहे होंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट जिसको समझ में नहीं आया होगा, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का क्वेश्चन नहीं बना पाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बनाइए थोड़ा सा, तो कैसे बनेगा सर? लास्ट में आपने ऑन द वीपी लिखा, यस 10 mm above HP ऑन द वीपी, चलिए अब इसी क्वेश्चन को यहां पर हम बनाते हैं, आप मैच कीजिएगा। देखिए ये एक्स वाई लाइन हो गया बेटा आपका, एक्स वाई लाइन हो गया। अब ए लाइन ए बी 65 mm लॉन्ग, ठीक है, इज पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू बीपी, यही कंडीशन है ना आपका, पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू बीपी। देखिए ये पहले ऐसे था पैरेलल टू बोथ, अब ये इसके परपेंडिकुलर हो गया। अब इसको जो है आप सामने से देखेंगे तो ये ए और बी एक ही पे दिखेगा कि नहीं, अलग अलग दिखेगा क्या? ये सर एक ही पे दिखेगा, है ना। और ऊपर से देखेंगे छत पर बैठ करके तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, ए यहाँ और बी यहाँ, ठीक है। ये आपको इमेजिन करना है, सबसे पहले तो ये वाला बना लीजिए लोकेशन, ए 10 mm अबव द एचपी, तो क्या हो गया ये ए डैश, और ऑन दी बीपी तो क्या बनेगा टॉप व्यू, तो ये ए और ये 10 mm। देखिए यहां तक किसी को कोई डाउट, तो ए डैश और ए हो गया। अब यहां पर एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना है कि ए डैश और ए आपका हो गया,